रफ्तार न्यूज चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। थाना देवरिया क्षेत्र के गांव इस्लाम नगर गगोटिया निवासी इसरार अहमद पुत्र खलील अहमद ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोस के ही मंजूर अहमद व अलाउद्दीन शराब पीकर उसके घर के दरवाजे पर मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। विरोध करने पर उक्त दोनों व नदीम इरफान आदि ने लाठी डंडों को लेकर घर में घुसकर उसे और उसके परिवार वालों को मारा पीटा। आप बताएं। मंजूर इसके लौंडे नजाब मंजूर ठीक रहता है, उसने उनका बोले लड़ाई क्यों नहीं, मैं तेरे अधिकार नहीं होते हूँ, बोले अब तो मैं नहीं आता मेरी तरफ खत्म, बोले झगड़ा करो कर लो, मैं भले मैं ही करा मैं कुछ लाठी चौंती मैं घर पर बैठा था जी घर में सब बड़ा लाल। अच्छा तो किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो 5-6 दिन पहले गाली दी इनने। किसने मारा? किसने मारा आपको? तो आज वो दूसरे पक्ष में चार सारी बात मार पीट में करो, फिर लोगों ने डंडा ईटा डंडा मारा भी। अच्छा किस वजह से मारा? किस वजह से मारा? दोस्त के बारे में बोले, दोस्त तुमने पकड़वाया आज। आपको पर शक करते हैं? आज हम लोग हमारे पर शक समझते हैं। क्या मारा था आपको? लठिया डंडा मारा और वो अद्धा मारा, हाथ तक नहीं उठ रहा मेरा। आप बचाने गए थे? हाँ खाली बहुत काम करके आए, बचा रहे हैं खाली, यकीन मानना। तो किसने मारा आप? ये लोग हैं सब आपू सवारी जी। क्या नाम उनका? इरफान आसिम मंजूर अमन। मतलब मैं था घर पे, मेरा कोई विवाद नहीं था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ ये बताइए। ऐसा है कि गाली गुप्तारी हुई 2-4 दिन पहले। मैं तो हरियाणा से सुबह उतरा हूँ, कल सुबह मैं भट्टे में से काम करने के लिए गया था। अब मैं हरियाणा से कल सुबह उतरा था, मैं मुझे किसी से लेना न देना था। अच्छा हाँ, जब मुझे इनने बताया कि वो गाली दे रहा, मैंने ऐसा गाली दे रहा, मैं बात कर लूंगा बवाल मत करो। वरना जब मैं घर से निकला भाई साहब, मैं खाली हाथ था, इन सब भाइयों के हाथ में लाठी थी और वो हाकी थी, तो मेरे गांव वाला मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई साहब। आप